दिल्ली के क्लबों व हाई सोसाइटी पार्टियों में ड्रग्स आपूर्ति करने वाले विदेशी नागरिकों के गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली के द्वारका में ड्रग तस्करी कर रहे 3 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 करोड़ रुपए के मूल्य की हेरोइन जब्त की गई है। गिरोह के सरगना 41 वर्षीय स्टेनली शिमेज अलासोनी, 41 वर्षीय हेनरी ओकोली और 37 वर्षीय यूचे चिकुबु पीटर इगबोनाजू के पास से 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। तीनों यहां अवैध तरीके से रह रहे थे। भारत में प्रवेश के लिए इन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल किया और दिल्ली पहुंच गए। यहां मोहन गार्डन इलाके में ये रह रहे थे। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि जिले की नारकोटिक सेल टीम को इन आरोपितों के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। ड्रग्स माफियों पर शिकंजा कसने के लिए विजय कुमार ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व सब इंस्पेक्टर सुभाष चांद इंचार्ज ऑफ एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारका के नेतृत्व में ASI विनोद कुमार, ASI करतार, कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल प्रमोद और कांस्टेबल हेतराम की एक टीम बनाई गई। टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। आखिरकार टीम की मेहनत रंग लाई। दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को अपने विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली कि एक अफ्रीकी नागरिक दोपहर लगभग 3:50 पर आर एक्सटेंशन ब्लॉक मोहन गार्डन के पास भारी मात्रा में ड्रग सप्लाई करने आएगा। सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 अक्टूबर को मोहन गार्डन में जाल बिछाया। लगभग 1 घंटे बाद 2 सस्पेक्ट अफ्रीकी नागरिक नवी स्कूटी पर आते दिखाई दिए। मुखबिर से इशारा मिलते ही टीम ने दौड़कर दोनों सस्पेक्ट को दबोच लिया। दोनों सस्पेक्ट की पहचान ओकोली तथा इगबोनाजू के रूप में हुई। मौके पर ACP मनोज कुमार मीणा के सामने दोनों सस्पेक्ट की तलाशी ली गई। तलाशी में 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना मोहन गार्डन में FIR संख्या 564/21 अंडर सेक्शन 21/25/29 NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ASI हंस कुमार को जाँच सौंपी गयी। इंटेरोगेशन में गिरफ्तार अफ्रीकी नागरिक की पहचान 41 वर्षीय हेनरी ओकोली और 37 वर्षीय उचेचुकु पीटर इगबोनाजू के रूप में हुई। दोनों नाइजीरिया के रहने वाले हैं और वर्ष 2019 में अवैध तरीके से बांग्लादेश के रास्ते भारत आए। पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि यह ड्रग्स अफ्रीका से रूस के रास्ते भारत पहुंचा। आरोपी ने कहा कि कई बार ड्रग्स की तस्करी बांग्लादेश और नेपाल से भारत में की जाती थी। इंटेरोगेशन में दोनों आरोपियों ने आगे खुलासा किया कि बड़े ड्रग्स डीलरों से वो लोग वर्चुअल मोबाइल नंबर से संपर्क करते थे। लगातार पूछताछ करने पर इन्होंने दिल्ली के एक ड्रग्स तस्कर ओकाचुकू का मोबाइल नंबर और अफ्रीकी ड्रग्स तस्करों के वर्चुअल नंबर भी पुलिस को दिए। गिरफ्तार अफ्रीकी नागरिकों ने मकान नंबर 77 कस्टेंशन ब्लॉक मोहन गार्डन में अलग अलग मंजिलों पर 2 कमरे किराए पर लिए। वे भूतल पर रहते थे और ऊपरी मंजिल पर एक कारखाना स्थापित कर रखा था जहां से हेरोइन मिलाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उपकरण जब्त किए गए। इनके पास से 5 किलो 80 ग्राम मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है। इसमें 1 किलो 30 ग्राम शुद्ध हेरोइन शामिल है। इसके अलावा शेष रासायनिक पदार्थ है जो हेरोइन की मात्रा को बढ़ाने व और नशीला बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि द्वारका जिला में हेरोइन की यह अभी तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। आरोपितों के बारे में उपायुक्त ने बताया कि तीनों लोग एक गिरोह की तरह काम करते थे। अभी यह पता किया जा रहा है कि इनके संबंध किन किन क्लबों व किन किन लोगों से हैं। अभी इस मामले में और भी आरोपितों की गिरफ्तारी होनी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। और इनके थ्रू इनके काम करना हमने शुरू किया, इंफॉर्मेशन डेवलप की और फिर हमने इनको 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन और 5 किलो केमिकल के साथ पकड़ा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस लगभग 13 करोड़ रुपए है। ये द्वारका की सबसे बड़ी रिकवरी है आज तक इस जिले की। और इस घटना के संग में मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज क्लियर करना चाहता हूँ कि द्वारका जिले में मेरे 11 थानों में जो भी डीलर्स हैं, जो इनको यहाँ रखवाते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जानते हुए इनको बना देते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और जो भी इनके लीगल क्राइम्स में सपोर्ट करते हैं या इनके साथ हैं, उनके खिलाफ अब हल्की कार्रवाई की होगी, न्याय संगत, कानून संगत, मगर बहुत ठोस और सख्त कार्रवाई। मैं उस पर तफ्तीश जारी है अभी, अगर अभी तक कोई ठोस सूचना नहीं है, लेकिन जैसा आप सारे लोग जानते हैं, अगर हमें ठोस जानकारी मिलेगी, सबूत होंगे, तो कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहें हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।